जिले के राठ कस्बे में पेयजल समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 महीने से नल में पानी नहीं आ रहा है। नगरपालिका द्वारा भेजे गए पानी के टैंकर से आपूर्ति नहीं हो पाती है। टैंकर आते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। भीड़ एकत्रित होने से कोरोना का भी खतरा मंडराता रहता है। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के पठानपुरा सागर तालाब मोहल्ला में गत 1 माह से पेयजल आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वार्ड में लोग बूंद बूंद के पानी को तरस रहे हैं। नगरपालिका परिषद का टैंकर आते ही दर्जनों लोग पानी लेने के लिए भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है। कस्बे के लोगों ने बताया कि बीते 3 माह से मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे मोहल्ले वासियों को पानी की दिक्कत हो रही है। उनको पेयजल के लिए तहसील परिसर या मोहल्ला स्थित कुएं में जाना पड़ता है तथा नगरपालिका परिषद द्वारा भेजे गए टैंकर से ही पेयजल उपलब्ध हो पाता है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील राजपूत है। मैं सागर तालाब पठानपुरा का निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है? मेरे यहाँ 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। जो नलों की सप्लाई है वो पूरी तरीके से बाधित है और बहुत समस्या आ रही है। नगरपाल का टैंक भी है तो 3 दिन में एक बार आता है, और कई बार हमने विधायक जी को और SDM साहब को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत समस्या, हम चाहते हैं इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो हम धरने में बैठ जाएंगे तहसील पर। R9 भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट, हमीरपुर, UP।